वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम बनाने वाले हैं वो एक चोकर, चोकर विद द स्टोन लेस। ये स्टोन लेस मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये सिल्वर स्टोन लेस लिया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सो इस चोकर के लिए हमें एक लेस, एक गोल्डन वायर जो हमारा फेवरेट है, मैंने बहुत सारे वीडियो में से यूज किया है, एक बड़े वाले बीट वाइट कलर के, एक स्मॉल वाइट बीट, एक ब्लैक बीट, ये स्टोन रिंग्स, ये मार्केट में अवेलेबल है। आप इसके अलावा भी कुछ भी यूज कर सकते हो, कनेक्टिंग रिंग, और ये एक टिक टैक पेन है। ये हमें इस जोकर को अपने नेक के अराउंड अटैच करने में हेल्प करेगा, एक ट्विजर एंड मिरर्स। सो सबसे पहले हमें जो करना है, हमें साइज डिसाइड करना है कि आपको कितने साइज का ये चाहिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे हिसाब से साइज कट करके रखा है, ये 1, 2, 3 एंड 4 लाइंस के हैं। अब आपको इसके लेंथ देखना है, अपने नेक के राउंड से लगा के देखोगे आपको कितना लेंथ का चाहिए। सो मैंने ऑलरेडी अपने लेंथ का ही लिया है इसे, बट माइंड यू लास्ट में आपको 1, 2, 3 एंड 4 गैप्स को छोड़ना पड़ेगा, एंड इस साइड में भी 1, 2, 3 एंड 4 गैप्स को छोड़ना पड़ेगा ताकि आप इस पिंस को इसमें लगा सको। सो 4 छोड़ने के बाद में अब आपको यहां से देखना है कि आपका मिड क्या है। ये है मिड, सो मैंने इसे फोल्ड करके यहाँ पे साइड में रख दिया। अब जो हमें करना है वो है वायर लेके आपको अप्रोक्स इस लेंथ के वायर को कट कर लेना है। आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको ये गोल्डन वायर में से वाइट बीट स्मॉल साइज वाले को डालना है और फिर इसे इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद आप वाइट वाले जो बड़े वाले हैं उसे आप डालोगे बीट, फिर ये स्टोन रिंग, एंड देन ये ब्लैक बीट। ये आप देख रहे हो ये ऐसे हो गया। अब जो आपको करना है इसे ट्विस्ट देना है। ये बहुत ही इजी है, बस इसे ट्विस्ट करते रहना है, एंड देन ट्विजर की मदद से हम अपने वर्क को नीट करना है। देख रहे हो ये हो गया। अब जो हमें करना है ये कनेक्टिंग रिंग लेके इसे आप इस तरह की ओपन करोगे और आपको ये इसमें डालनी है, एंड देन बस आपने जहाँ पे मार्क किया था फोल्ड करके आपको ये वहाँ से इंसर्ट करनी है। तो आप देख रहे हो मैंने इसे इंसर्ट कर दिया है। अब आपको इसे बैक में टर्न करके ट्विजर की मदद से अपने वर्क को नीट करना है। अब देख रहे हो ये ऐसे आ गया। अब जो करना है वो है हमारे चोकर के पीछे इस पिंस को अटैच करना। इसके लिए आपको नीडल और थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप ये पिंस निकाल लोगे पहले। तो ध्यान देना ये इस तरीके से बंद होती है, सो आपको एक एंड ऐसे लगाना है और दूसरे एंड को वैसे लगाना है। मेक श्योर आप सही लगाओ। सबसे पहले एक नॉट बना लेते हैं, एक्स्ट्रा पोर्शन आप कट कर दोगे। अब क्योंकि ये पिंस इस तरीके से बंद होती है तो हमें एक एंड ऐसे लेना है,
ये हमारे इस तरीके से जाएंगे तो हम इसे यहाँ पे ऐसे लेंगे। आपने देखा था मुझे चार गैप छोड़े थे, हम उधर पे इसे अटैच करने वाले हैं। आप पूरा बाहर नहीं निकालोगे, थोड़ा सा पोर्शन वहाँ रहने दोगे एंड देन उस थ्रेड में से आप थ्रेड के बीच में से आप इस तरीके से निकालोगे तो ये एक नॉट बन जाएगी और ये सिक्योर हो जाएगी। फिर आप इसे इसी तरीके से चारों तरफ से सिक्योर कर दो। आपने देखा ये मैंने अटैच कर लिया है एंड अब जो सेकंड पोर्शन है आप देख रहे हो ये ऐसे लगने वाला है। सो आपको इस तरीके से अटैच करने, तो ये हमारा ऐसे है तो ये हमारा इस तरह से आएगा, तो आपको इसे अदर साइड पे अटैच करना है। चोकर को टर्न कर लोगे, फिर से आप थ्रेड पे एक नॉट बनाओगे नॉट बना लिया मैंने एंड उसके बाद एक्स्ट्रा पोर्शन आप कट कर लेना। तो मैं 1, 2, 3, 4 जो हमने छोड़ा था हमें इस तरीके से अटैच करना है। सबसे पहले क्योंकि आपको अपना नॉट बाहर नहीं दिखाना है तो आप इस तरीके से अंदर से डालोगे फिर बाहर से निकालोगे एंड सेम प्रोसेस जो हमने उस वाले में भी किया था आपको दोनों थ्रेड के मिड से इसे निकालना है। ये देखिए अब सिक्योर हो चुका है। अब आप इसे सीव कर सकते हो। सब आप देख रहे हो मैंने इसे यहाँ पे अटैच कर लिया। तो अब ये चोकर इस तरीके से फिट हो गया, आप देख रहे हो इतने कम टाइम में इतना नीट वर्क और हमने एकदम मस्त वाले चोकर्स बना लिए। आप इसे ट्रेडिशनल वेयर के साथ भी पेयर कर सकते हो और वेस्टर्न के साथ तो ये जाएगा ही। एक्चुअली चोकर एक ऐसा चीज़ है लाइक आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो। सो आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो एंड उसे लगेगा कि आपने लाइक बहुत खर्च किया है इस चोकर पे, बट आपको पता है कि ये बहुत ही चीप तरीके से आपने बनाया है। सो ये ट्रेंडी चोकर गिफ्ट करो, बनाओ, किसी को ऐसे भी दे दो, किसी से ले लो, कुछ भी करो, बस मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो उस पर और शेयर तो बनता है बॉस, तो शेयर भी करो। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और दूसरों को भी सजेस्ट करो सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।